नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। बेनीगंज योगी सरकार में आज भी दबंगई कायम है। सरकार महिलाओं की सुरक्षा हेतु तरह तरह के अभियान चलाकर सुरक्षा के दावे कर रहे हैं, जो जमीनी तौर पर हवा हवाई साबित हो रहे हैं। आपको बता दें, गुरुवार को पीड़ित पुतीलाल पुत्र पोकर निवासी त्योनाकला ने कोतवाली में शिकायती पत्र दिया है, जिसके माध्यम से बताया है कि बीती बुधवार शाम करीब 7 बजे अपने दरवाजे पर भूसे की ट्राली उतार रहा था, तभी मेरे गाँव परिवार के ही संत राम पुत्र चिन्नालाल मौर्य, गुड्डू ज्ञानी पुत्र संत राम मौर्य व सुशीला पत्नी बाराती लाल मौर्य आदि लोगों ने मिलकर दरवाजे पर आकर जगह जमीन कब्जेदारी को लेकर आपसी विवाद के चलते खुन्नस मानकर दरवाजे से ट्राली हटाने को कहा। मैंने बोला, भूसा उतर जाने दो, अभी हटा लूंगा। लेकिन इतने में उपरोक्त लोग जबरदस्ती दिखाते हुए गाली गलौज आमादा फौजदारी पर उतारू हो गए। मना करने पर उपरोक्त लोगों ने मुझे व मेरी लड़की प्रियांशी, मेरी पत्नी रामदेवी, मेरी बहू की सहेली पत्नी सत्य प्रकाश मौर्य व मेरी भतीजी आरती पुत्री दिनेश पाल मौर्य को लाठी डंडों से मारा पीटा तथा जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। उपरोक्त मामले की कोतवाली में शिकायत है। पुलिस प्रशासन की ओर से डाकटी के लिए बोला गया। प्रशासन से हमारी मांग है, उपरोक्त लोगों पर विधिक कार्रवाई करके हम लोगों को न्याय दिलाया जाए। उपरोक्त मामले पर कोतवाली प्रभारी ने बताया है, शिकायती पत्र मिल गया है, इन लोगों को डाकटी के लिए भेजा गया है। जो भी रिपोर्ट आएगी उसके तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से प्रमोद सिंह की खास रिपोर्ट। क्या मामला है, ये कैसे चोट वोट लगी? मामला ऐसा है, रास्ता मेरे घर तक ही है। एक ट्राली पहले भूसा की हमारी पलटी जाती थी, दूसरी ट्राली हम लाए थे, तब तक उसका पंजाबी का रेपर ख़राब हो गया। उसने कहा ट्राली लगा दें और सुबह हम पलटवा लेंगे। हम कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में जिसने झगड़ा किया है, इस पार्टी से मेरा ज़मीनी विवाद भी चल रहा था और ये शाम को गाली गलौज करने लगा। अब तक मेरा भतीजा आ गया, उसने कहा गाली क्यों दे रहे हो, आप बताते हैं तो अपन ट्राली सही लगा लेते, पलटवा लेते। इतने में उसको मारा पीटा, फिर हम लोग तब भी शांत हो गए। सुबह हमारे यहाँ सत्यपाल ने इसलिए पूछा, भाई शाम को क्यों मारा पीटा, इसीलिए फिर उन्होंने जो है उलझन वाली बातें पैदा कर दी। कितने लोगों को चोट लगी? जी चोट कितने लोगों को लगी? चोट 5-6 लोगों की लगी, हमारे लगी, मेरे वाइफ के लगी, मेरी बहू के लगी, लड़के के लगी, मेरे लड़की की लगी, मेरे भतीजे की लगी। थाने में प्रार्थना पत्र दिया, क्या बताया गया? क्या थाने से बताया? थाने से उन्होंने बताया, अपन डॉक्टरी रिपोर्ट करा के लाइए। क्या कोई गंभीर अवस्था में भी है? क्या है कोई गंभीर अवस्था में भी है? गंभीर का आप देख रहे हो, उनके दर्द हो रहे, लड़के तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। अभी क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? और शहीद भैया का हमको तो मारा पीटा है, जहाँ देख रहे हो। पुलिस प्रशासन से क्या मांग है? पुलिस प्रशासन का सख्त कार्रवाई की जाए, और क्या दंड देने वाला होगा दंड दिया जाए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।